सोलन में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर है। जैसे ही उन्हें कोई कोरोना का संदिग्ध पता चलता है तो उससे या तो होम क्वारंटाइन कर दिया जाता है या उन्हें अस्पताल में पृथक वार्ड में रखकर उनके स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। जिला सोलन में ऐसे कई व्यक्ति हैं जो विदेशों से पहुंचे हैं, उन्हें होम क्वारंटाइन किया गया है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी की माने तो सभी एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं और आवश्यक कदम भी उठाए जाएंगे ताकि कोरोना के वायरस को फैलने से रोका जा सके। जिला स्वास्थ्य अधिकारी एनके गुप्ता ने बताया कि अभी तक सोलन में 104 लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है, जिन पर पैनी नजर रखी जा रही है। वहीं शहरवासी ऐसे वक्त में उनके घर ना जाएं, इसलिए उनके घर के आगे सूचना भी लगाई जा रही है कि इस घर के लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि सोलन में 4 रोगी विदेश से आए थे जो कोरोना संदिग्ध थे, लेकिन उनमें से कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव नहीं पाया गया, वे कोरोना वायरस से प्रभावित नहीं है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं ताकि शहर को कोरोना फैलने से बचाया जा सके। अभी जो हमारा सोलन में है, हमने 4 लोगों के सैंपल टेस्ट किए हैं जो सस्पेक्टेड लगे थे हमारे को, जो जिनको कुछ सिम्टम्स थे, चारों के चारों नेगेटिव आए हैं अभी तक सोलन डिस्ट्रिक्ट से। और 104 लोग हैं जो हमारे पास इस समय निगरानी में है, हमारी निगरानी में है, होम क्वारंटाइन में है 104 लोग हैं। और रोज नए जो लोग आ रहे हैं उनको हम होम क्वारंटाइन कर रहे हैं। और आज से हम जो जो लोग हमने होम क्वारंटाइन किए हैं उनके घरों के ऊपर स्टिकर लगाने जा रहे हैं बड़ा, ताकि वो लोगों को पता रहे उसके इलाके में कि ये लोग होम क्वारंटाइन किए गए हैं। और अभी तक कोई भी स्थिति क्लियर नहीं है। हो सकता है कि जितने भी जो के लोग आए हैं वो अभी तक तो हमारे पास एसिम्प्टोमेटिक है। जो भी एसिम्प्टोमेटिक होगा, जो हमने होम क्वारंटाइन किया, उसको इमिडिएटली लाकर हम उसका टेस्ट करें।